हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज, आज की शुरुआत हो रही है गुलाब जामुन से। आज हमने बनाए थे गुलाब जामुन, तो रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि यार गुलाब जामुन का पैकेट आता है, उसको बनाओ, गूदो, आटा बनाओ, उसमें तो सब लिखा ही रहता है ना, इसलिए शेयर नहीं की। तो बड़े टेस्टी से गुलाब जामुन बने हैं, आप लोग भी खा लीजिए, मुँह मीठा कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये है मॉर्निंग का मेरा ब्लॉग। मैं आ गई हूँ नहा के और आज मैंने सर धोया है। बारिश हो रही है लेकिन काम करने में पसीना भी होता है ना, तो सर में बहुत चिपचिपाहट सी हो जाती है। दो तीन दिन में तो धोना ही पड़ता है यार सर। तो यहाँ पर ना मैं जब सर धोती हूँ तो मैं उसके बाद ना कंघी सीधे आके पहले कंघी कर लेती हूँ, वरना बाल ना उलझ जाते हैं और अजीब से हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा, मतलब पहले से ही, जब भी मैं सर धोती हूँ सीधे पहले बालों को सुलझा लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो, उसके बाद और काम करती हूँ। और बाद में मैं ऊपर बांध लूँगी ऐसे ही, क्योंकि मुझे और अभी नाश्ता वगैरह बनाना है, इसलिए यहाँ पर मैं ऊपर ही बांध लूँगी और वो करके, और यहाँ पर लगा लेंगे बिंदी सिंदूर। बस यही तो होता है, और मेरा कोई मेकअप नहीं होता है, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ बाकी, ना मुँह में कुछ लगाती हूँ, ना लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ। कभी कभी लगा लेती हूँ, बस हो गया बाहर जाने के लिए। अभी तो लॉकडाउन है और मास्क पहनना है तो वो भी नहीं है। हाँ, कभी घर में ऐसे ही ब्लॉग बनाते हुए ऐसे ही कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लगाती हूँ। एकदम सिंपल सी बनी रहती हूँ और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। जब मेकअप करते हैं ना, मेकअप करती हूँ तो मेरे सर में बहुत पेन हो जाता है, मतलब, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। जब बाहर जाओ कहीं जाओ तब ठीक है, लेकिन घर में सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। बहुत लोग तो करके रखते हैं, अच्छा भी है, चलो अच्छा ही है, वैसे भी सर संवर के रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी बिंदी और सिंदूर वही, और उसके बाद मुझे चादर वगैरह धोना है और चादर वगैरह सेट कर लूँगी मैं यहाँ पर। ये सब मेरा हो गया है, अब मैं करूँगी यहाँ पर चादर सेट। और ना चादर सेट करी नहीं तो बच्चे पहले आ जाते हैं, बोलते हैं ना गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, वही हिसाब है। यहाँ रूम ठीक हुआ नहीं तो मैं रूम ठीक करूँगी ना अभी, मेरे देखना यही आके फिर यहाँ पर कर देंगे बराबर, मतलब इन लोगों का वही काम रहता है। तो मेरा चादर वगैरह मैंने कहा चेंज कर देती हूँ आज, चार पाँच दिन में करनी पड़ती है चादर चेंज, है कि नहीं? बच्चे लोग कूदते हैं तो फिर वही होता है ना, नीचे पैर जाते हैं, ऊपर बिस्तर में पैर जाते, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो दो तीन चार दिन में मैं चादर चेंज कर ही देती हूँ ये वाली बेड की, मतलब ये हमारे बेड की जो रहती है, क्योंकि ये यहाँ ऊपर वो रखा है ना, यहाँ से ये लोग क्या करते हैं नीचे फिर छलांग मारने लग जाते हैं, इसलिए इसको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर कर लूँगी चादर चेंज, और थोड़े कपड़ों की भी तह बनानी है मुझे यहाँ पर। और ये आपको ऊपर दिख रहा होगा ना, ये है हमारा वो मॉस्किटो नेट, रात को लगाना होता है ना, वैसे इतने मच्छर नहीं है, अभी बारिश शुरू हो गई तो दो चार होने लग गए, तो इसलिए अभी लगाती हूँ मैं, इस मच्छरदानी को लगानी पड़ती है, इसलिए यहीं पर एक साइड का ये लगा हुआ है और चार साइडें पापा ने इसमें हुक लगा दिए थे, तो वहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं रात को और यहीं पर रख लेते हैं फिर। और पिल्लो है ना जो अंदर जो वाइट रहता है, उसके बाहर से मैं जो पिल्लों के कवर जो होते हैं घिस जाते हैं ना, उनको मैं बाहर एक और लगा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी गंदा नहीं होता है अंदर वाइट वाला, नहीं तो फिर वो भी निकाल के धोना पड़ता है मंथ में एक बार, इसलिए इसको कर देती हूँ। और दो तीन महीने में फिर मैं उसको अंदर वाला जो वाइट वाला रहता है ना उसको धो लेती हूँ। और जो ये पिल्लो कवर तो दो दो में लगा लेती हूँ, दोनों को फिर मैं धो लेती हूँ एक साथ, तो वही फिर अंदर वाला गंदा नहीं होता है इसकी वजह से। तो मैं इस चीज़ तरीके से करती हूँ, क्योंकि वाइट वाला जो है ना जल्दी गंदा हो जाता है, और इसलिए बाहर से एक लगाओ, उसके बाद बाहर से जो अपना नॉर्मल रोज का रहता है इसके साथ का वो लगा लेती हूँ। और ये जो पिल्लो कवर आपको दिख रहे ना मोर वाले, ये मैंने घर में खुद ही बनाए हैं। आजकल हमारी मशीन ख़राब हो गई है, बच्चे लोगों ने ख़राब कर दी, तो कुछ मशीन का काम नहीं हो रहा है, बहुत सारे कपड़े सिलने वगैरह हो रहे हैं पर नहीं हो रहा है, पर मैंने ये पिल्लो कवर ना मैंने खुद ही बनाए हैं। और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम घर में हम लोग कर ही लेते हैं, मशीन रहती है अपने पास तो हल्की फुल्की सिलाई आती है मुझे। पहले तो मैं ड्रेस वगैरह भी सिला करती थी, लेकिन शादी के बाद तो अभी कुछ भी नहीं करती हूँ, जब पहले शादी से पहले करती थी, शादी के बाद भी एक आध ड्रेस सिला, लेकिन अभी मुझे बड़ा वो लगता है, अब तो छोड़ ही दिया, अब तो हाथ भी साफ नहीं होएगा, पता नहीं कैसे सिले जाएंगे।
और मेन क्या है ना, लड़की अगर मेरी ना फ्रॉक पहनती ना, मैं उसके लिए जरूर बनाती, पर वो फ्रॉक नहीं पहनती, इसलिए मुझे मशीन में मैं करती नहीं, और मशीन हो भी गया है ख़राब। तो चलिए मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। ये देखिए मैंने गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च, प्याज ये सब कट कर लिया है बारीक सा, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस। और ये यहाँ पर ना चावल भी मैंने उबाल के रख दिया है, तो यहाँ पर कढ़ाई में रख देंगे तेल, और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा लहसुन। तेल मैंने 2 चम्मच के करीबन लिया है, बड़े चम्मच से, और सारी सब्जियों को डाल दूंगी फ्राई होने के लिए, और सब्जी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी कर दूंगी मैं फ्राई होते समय, इस तरीके से अच्छे से। आप लोग कैसे फ्राइड राइस बनाते हैं ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। और मेरा ये ना हो चुका है, देखो हो चुका है, तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी सॉस। ये है चिली सॉस, रेड चिली सॉस डाल दूंगी, ये ख़त्म होने को आ गया अभी तो। और इसमें थोड़ा डाल दूंगी सोया सॉस। सोया सॉस बहुत पड़ा हुआ है यार, पापा जब कैंटीन जाते हैं ना तो सोया सॉस ज़्यादा ले आते हैं, और ये सॉस कम लाते हैं, तो सोया सॉस तो वैसे ज़्यादा पड़ता नहीं, ग्रीन चिली और रेड चिली ज़्यादा लगता है। तो मैं ना यहाँ पर ना हाथ से ही ब्लॉगिंग कर रही थी, मतलब ये वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए थोड़ा हिल रहा है, तो आप लोग माइंड मत करना। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा फ्राइड राइस मसाला डाल दिया इसमें, तो फिर ना ये क्या ऊपर सारे मसालों को, जो फ्राइड राइस मसाला, चिली सॉस और सोया सॉस डाला है, उसको अच्छे से थोड़ा भून लूँगी मैं। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक, मैंने ऐड किया था पहले ही, और फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और ये चावल आपको दिख रहा होगा ना, मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसमें वैसे जैसे फ्राइड राइस मसाला बनाते हैं, चावल को थोड़ा उबाल लेते ना हल्का सा, और उसके बाद पानी निकाल लेते, पर मैंने कुकर में बना दिया था सीटी लगा के, और जैसे ही खुशबू आई ना तो मेरी बेटी आ गई, देखो मम्मी आज क्या बन रहा है इनका रहता है। तो यहाँ पर ना चावल ऐड कर दूँगी मैं, जैसे ही मसाला और सब्जियाँ फ्राई हो गई है, तो अभी चावल ऐड कर दूँगी। और फ्राइड राइस मसाला कभी कभी रहता है ना, दाल भी बनी हुई है, पर कभी कभी ऐसे थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे कभी पुलाव बना लेते हैं, कभी ऐसे सब थोड़ा राइस को भून के बना लेते हैं, और पापा को इसके साथ दाल लगती है, क्योंकि उनको सुक्का नहीं खाया जाता है, और बाकी हम लोग तो सुक्का खा लेते हैं। फ्राइड राइस मसाला तो सबको पसंद आता है, बच्चे लोगों को भी आता है, और ऐसी सब चीज़ें बच्चे लोगों को खासकर बहुत पसंद आती है, तो कभी कभी मैं बना लेती हूँ। थोड़ा चेंज जैसा भी हो जाता है, रोज़ का जो दाल चावल वो सब रहता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। और ये मेरे बच्चे आपको यहीं पर दिखेंगे जब कुछ घर में बन रहा होगा, जिससे खुशबू जाएगी इनको, तो यहीं पर ये लोग दिखेंगे। तो इजी है ना फ्राइड राइस मसाला, देखो ये बन गया है मेरा फ्राइड राइस मसाला राइस। तो आप खा लीजिए, आप लोग भी कैसा बनाएं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, ओके। तो गैस यहाँ पर ना अभी ये शाम के बर्तन मैं धो रही हूँ, तो गैस वगैरह में जो है दिन को साबुन से धोती हूँ, और रात को कपड़ा मारती हूँ गीला वाला, कपड़े से साफ करती हूँ, और यहाँ पर बर्तन मैं धो दूँगी। और बस यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, कर देना थोड़ा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय करना मेरे इस ब्लॉग को, ठीक है। तो ये हो जाएगी यहाँ पर क्लिनिक सब।